Dear students, welcome in the lecture on metal ligand bonding. So, बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम metal ligand bonding को पढ़ेंगे और इस पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इन जनरल, क्योंकि डिटेल में हम पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, बट यहाँ पर इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द जनरल पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. देन वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी. जो सीएफटी थी उसकी क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कोई एक नई थ्योरी आई है, दैट इज एलएफटी. तो यहां पर हम एक तो देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जनरल क्या है, then what are the limitations of CFT, then what are the evidences of covalent bonding. Covalent bonding metal complexes में होती है, इसके लिए कुछ evidences हम देखेंगे कि वो कौन कौन से evidence हैं जिससे पता चलता है कि metal और ligand के बीच में जो bonding है वो कैसी है, covalent bonding है. देन हम जनरल आइडिया लेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे जो बॉन्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जनरल क्या है, इन जनरल हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इफ वी सी दैट अकॉर्डिंग टू सीएफटी, according to crystal field theory, the bond between metal and ligand is purely electrostatic attraction. And you have already seen that if we see the bonding between M and L, then we will find that there are d electrons, okay, and the ligand is a dipolar or maybe an anionic species. And due to its negative behavior and its electropositive behavior, this ligand will attract towards the metal. Okay, and this is the basis of CFT. तो आप देखेंगे कि metal generally क्या होता है, electropositive species होती है जिसमें d electrons होते हैं, और जो ligand होता है एक dipolar या एक anionic species होती है जो कि इस मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर की वजह से इसकी ओर लिगेंड्स क्या होते हैं, मेटल की ओर अट्रैक्ट होते हैं. इसीलिए अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्या है कि ये जो बॉन्डिंग है किसके बीच की, मेटल एंड लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक मानी गई है. इट मींस 100% आयनिक करेक्टर होता है मेटल एंड लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. लेकिन एक्चुअली जब हम देखते हैं तो जो नेचर होता है मेटल लिगेंड बॉन्ड का, इट इज प्योरली कोवेलेंट. ये कैसा नेचर होता है, जनरली ये कोवेलेंट नेचर होता है मेटल और लिगेंड के बीच का, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की वो किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ऑफ लिगेंड्स टू विच द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन गेट एक्सपोज्ड. एक्चुअल में जो हम क्या देखते हैं, जो सीएफटी में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है आइदर इन ई एंड टी टू जी और इन टू टी टू जी और एजी, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स. ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड है और कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं. तो डी ऑर्बिटल तब स्प्लिट होता है, कैसे स्प्लिट होता है, अब ये लिगेंड जो है आप देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, पहले ये अट्रैक्ट हुआ मेटल की ओर, एंड देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, दैट इज लिगेंड, और इट मे बी डाइपोलर whose negative part is towards the metal center. So these negative, they will repel each other. तो क्या होगा कि ये जो ligand है इसका dipolar का negative pole and metal का जो d electron है ये क्या करेंगे, repel करेंगे. repel करने से क्या होगा, ये ligand जो है वो d orbital को क्या करता है, आपने देखा ये इसको split करता है t2g and eg में, और maybe into another number of orbitals as per in स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. तो ये अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर सकता है, ओके. और अब आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रा होता है मेटल आयन का वो क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर डी ऑर्बिटल होता है इन केस ऑफ
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ई की एनर्जी कम होती है और टी टू की क्या होती है, अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ई से टी टू में होता है, डी से डी में, जो लोअर डी ऑर्बिटल है उनसे हायर डी ऑर्बिटल्स, जो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें होता है, या फिर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो टी टू जी से ईजी होता है, लोअर डी ऑर्बिटल्स टू हायर डी ऑर्बिटल। तो वो जो सीएफटी थ्योरी है वो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाई थी स्पेक्ट्रा को, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, मैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत आसानी से ये एक्सप्लेन कर पाई थी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक लोअर एनर्जी लेवल होगा, एक हायर एनर्जी लेवल होगा, जिनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ओके, लेकिन देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। कभी भी किसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो उसको हम कह सकते हैं जो लिमिटेशंस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, वो क्या कहती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच का, इट इज आयनिक, बट फजान्स रूल सेज दैट नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी है, सिंपल मॉलिक्यूल्स की आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी, और वहां पर पढ़ा होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इवन इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल देयर इज सर्टेन आयनिक करेक्टर। सो इट मींस दी बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड शुड बी कोवलेंट, इट कैन नॉट बी प्योरली आयनिक नहीं हो सकती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। जो लिमिटेशन है वो यही है कि जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच का वो 100% आयनिक नहीं होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्या आई, नई थ्योरी आई। दिस थ्योरी अज्यूम्स लिगेंड अप्रोच कॉजेज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये थ्योरी क्या बता रही है कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को, उस वजह से मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। ओके, अब ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो तो स्प्लिट हो गए, बट लिगेंड के जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट क्यों नहीं हुए, व्हाई द लिगेंड ऑर्बिटल्स दे डू नॉट स्प्लिट, क्यों नहीं हुए। तो ये CFT थ्योरी नहीं बता पाई कि अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड जब डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहा है तो डी की स्प्लिटिंग तो हो रही है, बट लिगेंड ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। तो इस बात को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाई। अदर लिमिटेशंस अगर आप CFT की देखेंगे तो आप देखेंगे कि CFT कंसीडर्स ओनली डी ऑर्बिटल्स, केवल डी ऑर्बिटल को कंसीडर किया गया कि डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट और एनर्जी ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कन्वर्ट नहीं होते हैं, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल है दे स्प्लिट, बट दे थ्योरी इट नॉट कंसिडर्ड एस पी एंड एफ ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड पाई ऑर्बिटल्स। इसके बारे में कोई भी जिक्र जो है वो CFT ने नहीं किया, केवल डी ऑर्बिटल को लेते हुए चला मेटल सेंटर के। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं बता पाई CFT कि क्यों जो न्यूट्रल H2O है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिलायन से ही क्यों अधिक स्ट्रॉन्गर है। तो लिगेंड्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस नहीं कर पाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें पाई बॉन्डिंग होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो CFT थ्योरी थी। ओके, CFT और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बैंड्स, द चार्ज ट्रांसफर बैंड्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आप देखेंगे जिसको एक्सप्लेन किसने किया, इस चार्ज ट्रांसफर बैंड को एक्सप्लेन कर पाई LFT जो लिगेंड फील्ड थ्योरी थी, वो इन सारी लिमिटेशंस को उसने दूर किया। इसलिए जब थ्योरी कोई फेल होती है, फेल तो नहीं हुई, थोड़ा काफी कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बता पाई, काफी जो उसके प्रॉपर्टीज थी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की उसको एक्सप्लेन कर पाई, बट जो चार्ज ट्रांसफर बैंड है, जो पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में होती है, जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ ऑर्डर है, उसको क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और उसको एक्सप्लेन किसने किया, उसको एक्सप्लेन किया LFT। तो इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट कोवलेंट करेक्टर इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड CFT नीड्स टू बी मॉडिफाइड, सो देयरफॉर LFT और MOT केम इनटू एक्जिस्टेंस। इसलिए क्या हुई, जो LFT थी वो क्या आई,
वो एग्जिस्टेंस में आई और एलएफटी प्रपोज की गई. Therefore, according to molecular orbital theory or ligand field theory, the metal-ligand bonding is not exclusively ionic due to electrostatic attraction between the metal ion and the ligand. So, according to MOT, the metal-ligand bonding is not purely ionic due to the electrostatic attraction between metal ion and the negative pole of the ligand. But the bonding between metal and ligand is covalent, and there are some evidences for the existence of covalent bonding between metal ion and the ligand in the complex compounds. तो आप देखेंगे कि देयर आर कुछ सबूत हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, जो प्रूफ्स हैं, जो बताते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर दोज एविडेंसेस जो सजेस्ट करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. सो द एविडेंसेस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर एविडेंस्ड वाया certain analytical methods, and generally these analytical methods in general they are the spectroscopic methods and some other methods. So you will find that Lenz's splitting factor G ये proof देता है कि metal और ligand के बीच में covalent bonding होती है. Electron spin resonance spectroscopy ESR बताता है. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एविडेंस देता है कि मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. नेफ्लोक्सेटी इफेक्ट है जो बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग. इसके अलावा न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस स्टडीज NQR स्टडीज बताती है. और आप देखेंगे जो एंटी फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट है, जो कपलिंग है, वो भी बताता है हमें कि क्या हो सकता है मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. और इसके अलावा आप देखेंगे जो इंटेंसिटीज होती है डीडी ट्रांजिशन की, वो भी हमें बताती है कि किस तरीके से मेटल और लिगेंड के बीच में मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग. सो फर्स्ट वी डिस्कस द लेंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर. तो पहले आप देखेंगे जो लेंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर है वो हमें बताता है कि जो आप देखेंगे जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है वो कैसी होती है, कोवलेंट. कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है, आपने डीलोकलाइजेशन शब्द सुना. डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का अगर होगा तो मतलब वहां पर कैसी बॉन्डिंग होगी, वहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कोवलेंट. जो लेंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर है जी, वो क्या बताता है, वो बताता है अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन विद द लिगेंड ऑर्बिटल. तो लेंडीज फैक्टर हमें दो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जो जी है उसका यूज है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने में, इसका यूज किया जाता है. तो अगर हमें जी की वैल्यू पता होगी और जे की वैल्यू पता होगी तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इफ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट देन वी कैन नो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स. दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जानकारी ये लेंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर देता है. जो एक्चुअल जी फैक्टर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू, जो जी फैक्टर की जो वैल्यू आती है जनरली वो डिफरेंट होती है. अगर प्योर आयनिक बॉन्डिंग होती तो जी वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो जी फैक्टर की वैल्यू है वो नहीं आती है जो प्योर आयनिक बॉन्डिंग के लिए आनी चाहिए. इसका मतलब है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, कोवलेंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है टूवर्ड्स द लिगेंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, क्या होता है कि जो मेटल है, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके,
जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस ओर डीलोकलाइज होंगे, दे आर डीलोकलाइज टूवर्ड्स द लिगेंड ऑर्बिटल्स। अगर हम जी फैक्टर को देखें तो उसकी वैल्यू वो नहीं आती है जो एक प्योरली आयनिक बॉन्ड के लिए आनी चाहिए, बट वो कैसी आती है जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आनी चाहिए, वैसी जी की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, जिससे ये पता चलता है कि जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, कोवेलेंट बॉन्ड। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मी की वैल्यू कैसे पता चल जाती है, जी की वैल्यू से। और जी की वैल्यू हमें पता चल जाती है क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन, ओके, एंड अपॉन ये जो वैल्यू होती है अपॉन टू जे इंटू जे प्लस वन। तो अगर हमें एस मीन्स होता है स्पिन एंगुलर नंबर, क्वांटम नंबर, L means होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इन J means टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इट means हम J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ mu, एंड इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एंड दिस G वैल्यू सजेस्ट दैट देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन टूवर्ड्स द लिगेंड ऑर्बिटल। ये हमें बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है जो ऑर्बिटल्स के बीच में है, तो जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। जो दूसरा जो मेथड है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड ये प्रूव करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग को, ओवरलैपिंग बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल्स एंड मेटल डी ऑर्बिटल्स। ये ग्रिफिथ्स एंड ओन्स ने इन्होंने कोवेलेंसी की दो कंपाउंड्स में दिखाई थी, अमोनियम इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है एंड सोडियम इरिडियम कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों इरिडियम के कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इरिडियम का जो स्टेट है वो प्लस फोर है, इरिडियम प्लस फोर का मतलब है कि वहां पर आप देखेंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जो इरिडियम के कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है आप जानते होंगे कि जो 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, लेकिन ड्यू टू दिस आई आर इरिडियम की वजह से, जहां पर इरिडियम किस स्टेट में है, अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी है वो है 4+, और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है मींस उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, T2G5, और T2G5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इरिडियम जो मेटल है ये स्वयं खुद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G5, हेंस इट विल हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इरिडियम के पास होगा तो इसको क्या शो करना चाहिए, ESR में एक स्मूथ पीक शो करनी चाहिए। अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको एक पीक शो करनी चाहिए जो कि स्मूथ पीक होनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर शो करता है, एंड ये जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है दिस इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ लिगेंड विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसका, IR4+ का, वो जो लिगेंड्स हैं उनके न्यूक्लियर स्पिन के साथ क्या करता है कि इंटरेक्शन करता है, इसलिए हमें जो इसका जो ESR है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, जिसमें आप देखेंगे 19 पीक्स मिलेंगी। एक्चुअली जो इरिडियम का जो सेंट्रल जो मेटल है जो कि इरिडियम 4 है, ये 6 क्लोराइड आयंस से क्या है, ये सराउंडेड है, और ये जो 6 क्लोराइड आयंस हैं
अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इरिडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल इरिडियम के ऊपर नहीं है बल्कि वो यहाँ डिलोकलाइज्ड है, इस क्लोराइड पर डिलोकलाइज्ड है, इस पर डिलोकलाइज्ड है, ये क्या है, ये इन सब के ऊपर डिलोकलाइज्ड है। तो इस डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, सॉरी माइनस चार्ज है, इस डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो इरिडियम का इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास तो 70% आप कह सकते हैं अपने पास जो रह रहा है, और इन क्लोराइड्स के पास ये 30% रहता है। तो इसकी वजह से जो क्लोराइड है इसका जो आई होती है, जो स्पिन होती है, न्यूक्लियर स्पिन वो 3/2 होती है, 2 × नंबर ऑफ क्लोराइड कितनी, 6। ओके, तो ये आप देखेंगे जो पीक्स आएंगी वो कितनी आएंगी, ये जो पीक्स आएंगी वो आएंगी +1 = 19 पीक्स। तो इसका मतलब है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर शो करेगा और जो IR4+ कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरीके की ESR शो करेगा, जहां पर आप देखेंगे कि ये 19 पीक शो करेगा जहां पर 3/2 इज दी न्यूक्लियर स्पिन ऑफ क्लोराइड। तो इससे पता चलता है ESR एविडेंस दे रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ओके, तो मतलब आप देख रहे हैं धीरे 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 जो CFT है वो फेल हो रही है और उसको मॉडिफाई करने के लिए फिर नई थ्योरी आएगी और उसको प्रूव कर रही है, ये जो कुछ टेक्निक्स है एनालिटिकल मेथड्स, ये प्रूव कर रही है कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट जो टूल है वो है NMR, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो बताती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बन रहा है। और आप देखेंगे क्योंकि जो लिगेंड से है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट आपको NMR सिग्नल्स देंगे। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी होती है मेटल ऑर्बिटल की, इट ट्रांसफर टुवर्ड्स द लिगेंड ऑर्बिटल्स। ओके, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जो ट्रिस एसिटाइल एसिटोनेटो वेनेडियम 3rd कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका NMR स्पेक्ट्रा देखा जाए तो इसमें 2 लाइंस मिलती हैं और ये जो 2 सिग्नल्स होते हैं ये लार्ज लो फील्ड शिफ्ट शो करते हैं और ये जो शिफ्टिंग होती है ये आप देखेंगे कि अलग तरीके की होती है। अगर फ्री लिगेंड लेंगे या अगर हम मेटल आयन लेंगे फ्री, तो वहां पर इस तरीके की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगी और ये जो शिफ्ट है सिग्नल का, इट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द लिगेंड पाई सिस्टम। तो जो ये शिफ्टिंग होती है NMR में, पीक शिफ्टिंग, सिग्नल शिफ्टिंग जो होती है, इट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सेंटर टूवर्ड्स द लिगेंड पाई सिस्टम। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये NMR एक बहुत सही टूल है जो कि बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। एक इफेक्ट आप देखेंगे, नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, उस इफेक्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे और यहां पर आप देखेंगे, एक्चुअली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे या करेंगे, तो हम केवल उसके एप्लीकेशन पार्ट को ला रहे हैं और नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। यहां पर आप देखेंगे कि जो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट है बहुत अच्छी तरह से बताता है कि जो मेटल और लिगेंड बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एक्चुअली जो रैक पैरामीटर होते हैं जिनको हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर कहते हैं, एक तरीके से अगर आप इसको सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि एक मेटल सेंटर है, मेटल सेंटर के पास क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ओके, तो आप मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होंगे, रिपल्शन होंगे। और इस रिपल्शन को कम कौन करता है, जब इसके मेटल के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, लिगेंड।
अब क्या होगा, जब मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे तो अगर मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग होगी, अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन जो केवल मेटल के पास था और अब वो लिगेंड के पास भी डीलोकलाइज हो रहा है, तो आप देखेंगे उसके लिए स्पेस बढ़ गया है। मेटल का जो स्पेस था वो भी है और जो लिगेंड का स्पेस है वो भी उसके पास है। तो इस वजह से जो रिपल्शन पहले हो रहा था क्योंकि वो केवल मेटल सेंटर के पास था, जब वो मेटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है और जनरली कैसी बॉन्डिंग करता है, ओवरलैपिंग, कैसी बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्लाउड एक्सपेंशन। क्लाउड एक्सपेंशन का मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और जो जो इलेक्ट्रॉन के रहने की जो जगह थी वो बढ़ गई, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट। नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट सजेस्ट्स दैट द मेटल लिगेंड कोवलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो लिगेंड है उसकी वजह से डी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, क्लाउड एक्सपेंशन हो जाता है। और क्या होता है, आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मेटल और लिगेंड के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी और जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे जो नेफ्लोक्सेटिक रेशियो होता है जिसको हम बीटा कहते हैं, ये क्या होता है, जो मेटल आयन का जो रेके पैरामीटर होता है उसका और जो कॉम्प्लेक्स आयन का जो रेके पैरामीटर होता है उसका रेशियो होता है। तो आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है, तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का पैरामीटर है, तो ये कम होगा और ये क्या होगा, अधिक होगा। तो बीटा जो है वो हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, ये क्या होता है, हमेशा वन से क्या होता है, कम होता है जो रेके पैरामीटर होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन कम होता है और मेटल में जो फ्री मेटल आयन होता है उसमें अधिक होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, सॉरी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, जो नेफ्लोक्सेटिक रेशियो होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन का अपॉन मेटल आयन का जो रेके पैरामीटर होता है उसके रेशियो को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन ऊपर होगा और जो जो फ्री मेटल आयन है उसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर है वो नीचे होगा, इसलिए जो नेफ्लोक्सेटिक रेशियो होता है ये ऑलवेज वन से कम होता है, क्योंकि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो मेटल कॉम्प्लेक्स में कम होता है ड्यू टू क्लाउड एक्सपेंशन एंड मेटल आयन में ये क्या होता है, कम होता है। इसलिए आप देखेंगे जो नेफ्लोक्सेटिक रेशियो है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन वन होता है। अब आप देखेंगे जो नेफ्लोक्सेटिक सीरीज भी लिगेंड्स की, तो आप देखिए जो नेफ्लोक्सेटिक सीरीज है लिगेंड्स की वो आप देखेंगे जो आई माइनस है वो सबसे ऊपर रखा गया है इस सीरीज में और एफ माइनस क्या किया गया है, सबसे नीचे रखा गया है। इट मींस जो आई माइनस है, अगर आप फजान सुरमिल की स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आई माइनस है इसका कोवलेंट करेक्टर सबसे अधिक होता है, इसलिए ये इंटर जो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट है वो सबसे अधिक कौन दिखाता है, आई माइनस, यानी जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करेगा उतना अधिक क्या होगा, उसको सीरीज में वो ऊपर होगा। नेफ्लोक्सेटिक इस जो सीरीज है, अगर आप मेटल आयंस की देखेंगे तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जिनके ऊपर जो चार्ज है वो सबसे अधिक होता है मेटल्स के ऊपर, उनका साइज छोटा होता है इसलिए वो उतना ही अच्छा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्योंकि अच्छा करता है इसलिए क्लाउड एक्सपेंशन भी अधिक करता है, तो ये क्लाउड एक्सपेंशन अधिक करेगा इसलिए ये सीरीज में ऊपर रखा गया है। तो ये सबसे ज्यादा नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट शो करेगा। लिगेंड्स में आप देखेंगे आई माइनस सबसे ज्यादा नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, कोवलेंट करेक्टर को बढ़ाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर होता है। जितना आप देखेंगे जितना रेशियो जो है वो नेफ्लोक्सेटिक रेशियो कम होगा उतना ही अधिक कोवलेंट करेक्टर होगा मेटल और कॉम्प्लेक्स के बीच में, क्योंकि जितना अधिक कोवलेंट करेक्टर होगा, जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी, जितना अधिक डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ही कम क्या होगा, रेके पैरामीटर होगा, उतनी ही कम बीटा की वैल्यू आएगी। तो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट हमें बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ये है कोवलेंट बॉन्डिंग।
नेक्स्ट जो एविडेंस आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग का वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग भी एक एविडेंस देता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग है ये दो मेटल सेंटर्स के बीच में होती है वाया ऑक्साइड आयन। जनरली ये ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग का मतलब है जो म्यू है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेटल सेंटर और दूसरा मेटल सेंटर, देखिए ये मेटल सेंटर है इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल सेंटर है इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है एक यहाँ है, तो अगर आप देखेंगे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही कई सारे मेटल सेंटर्स अरेंज्ड होंगे। तो अब इसको कैसा होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था नेचर में, बिकॉज देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्साइड, इस ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आप ये देखेंगे कि ये इस मेटल आयन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग हो गई इस मेटल सेंटर के इलेक्ट्रॉन के साथ। देखिए इसकी स्पिन नीचे है और इसकी स्पिन क्या है, ऊपर है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में क्या है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन जिसके पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखेंगे कि इस मेटल सेंटर का स्पिन जो इलेक्ट्रॉन का है वो ऊपर है, तो इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पिन है वो इसके साथ पेयर कर रहा है, देखिए कपल कर रहा है। और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है वो इस जो मेटल सेंटर के इलेक्ट्रॉन के साथ कपलिंग कर रहा है, इसकी स्पिन ऊपर है तो इसकी नीचे है। इस वजह से आप देखेंगे जो ओवरऑल जो म्यू होगा वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग ये कहलाती है, जिसमें कि जो नेबरिंग स्पिन है वो अलाइन हो जाती है पैरेलल, एंटी पैरेलल, देखिए इसकी ऊपर है और इसकी नीचे। तो ये एंटी पैरेलल जो स्पिन हो रही है, दिस इज ड्यू टू द वन सेंटर दैट इज लिगेंड। ये लिगेंड है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है इस लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इस लिगेंड के बीच, इस मेटल के बीच में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आप देख सकते हैं जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग है ये एक एग्जांपल है जो बता रहा है सीधे से कि ये एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वहां पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है। तो ये हमें पता चल रहा है। दूसरा हमें एक और जो मेथड है जहां से हमें पता चल सकता है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो मेटल और लिगेंड के बीच में होती है, वो हमें बताता है इंटेंसिटीज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन अगर आप देखेंगे तो वो हमें जो कलर है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताता है। जनरली ये ट्रांजिशंस क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो ये ट्रांजिशंस बहुत वीक होते हैं ड्यू टू दिस लेपर्ड फॉरबिडन होते हैं वो ट्रांजिशंस। तो इनको इंटेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो डीडी ट्रांजिशंस होते हैं वो इंटेंस होते हैं जबकि वो लेपर्ड फॉरबिडन होते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी बढ़ती है इसका कारण है, एक कारण तो क्या है कि जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी मिक्सिंग एस और पी ऑर्बिटल्स के साथ हो जाती है, जैसा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लेपर्ड फॉरबिडन होने के बावजूद, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट शो दी सिमेट्री, वो सिमेट्रिक नहीं होते, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है जो डी ऑर्बिटल जो होता है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है बच्चों, जो डी ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के साथ एसपी मिक्सिंग एसडी मिक्सिंग होती है। इस वजह से जो मिक्सिंग की वजह से क्या होता है जो इंटेंसिटीज है वो बढ़ जाती है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो डीडी ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी हुई होती है। दूसरा कारण क्या होता है, इसको हम वाइब्रोनिक कपलिंग कहते हैं। जो डी ऑर्बिटल के वेव फंक्शन होते हैं वो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसको हम वाइब्रोनिक कपलिंग भी कहते हैं। तो वाइब्रोनिक कपलिंग हो सकती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिलती है लेकिन उसमें वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से वो इंटेंस पीक होते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ हो सकती है और ये मिक्सिंग होने की वजह से जो इंटेंसिटी है बैंड्स की वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ डी ऑर्बिटल विद लिगेंड ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स दे आर प्रेजेंट इन द मेटल,
एंड इनकी मिक्सिंग लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ तभी होगी जब यहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आप ये देखेंगे जो डीडी ट्रांजिशंस की जो इंटेंसिटीज है वो तीन वजह से बढ़ सकती हैं, एक तो डीपी मिक्सिंग और दूसरा आप देख रहे हैं कि डी की मिक्सिंग विद वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस, और तीसरा क्या हो सकता है कि मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इंटेंसिटीज कैन इंक्रीज। ओके, तो दीज आर सम एविडेंसेस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन दी मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब हमने देख लिया, देखो बच्चों अब हमने देख लिया है कि जितना भी सीएफटी में हमने पढ़ा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें बताया कि आयनिक बॉन्ड है, तो एलएफटी हमें ये समझा रही है कि नहीं ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कैसा बॉन्ड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के एविडेंसेस बता दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो बताते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसकी वजह से ये जो थ्योरी आई, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जॉन स्टैनली ग्रिफिथ एंड लेसली ऑर्गेल ने ये थ्योरी दी है। और इस थ्योरी में आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के एंड लिगेंड के सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स, ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आपने देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल की पढ़ी है, N2 मॉलिक्यूल की पढ़ी है, क्योंकि वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत आसान है कि एक एटम के ऑर्बिटल और दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स, जैसे H के ऑर्बिटल्स और H के ऑर्बिटल्स यानी 1s 1s ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स होंगे, दे में भी सिग्मा और दे में भी पाई, जो कि लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, वो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगेन कई तरीके के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी बॉन्डिंग the molecular orbitals having lower energy than the atomic orbitals, they are known as bonding molecular orbitals. Higher energy orbitals, they are known as antibonding molecular orbitals. And the orbitals that are having the same energy as that of the atomic orbitals, they are known as non-bonding और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, बिल्कुल उसी तरीके से लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बताती है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे आपने वहां पर देखा था कि जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है उसके लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी है, वो पॉइंट्स यहां पर भी जरूरी है। तो वो पॉइंट्स क्या है, नंबर वन पॉइंट इज सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी सेम। सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, वी कैन से द ऑर्बिटल्स मींस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल सेंटर एंड द लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, इट शुड बी सेम। ठीक है, तो जो सिमेट्री है वो हमने वहां पर भी देखी थी कि जो पीएक्स ऑर्बिटल है कभी भी पीवाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता है, पीएक्स ऑर्बिटल पीएक्स ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है क्योंकि उनकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए। फिर आपने देखा था वहां पर कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे 2s ऑर्बिटल 2s के साथ कंबाइन कर रहा था, उसी तरीके से यहां पर भी आप देखेंगे कि जो कंबाइनिंग जो ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी ऑफ सिमिलर एनर्जी, सेम एनर्जी। ओके, अब आप देखेंगे कि जो टू ऑर्बिटल्स हैं, अब आप इसको हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे थ्योरी को, तो उसको हम समझेंगे। आप देखेंगे जो टू ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इक्वल एनर्जी नहीं होती, ओके, तो आप देखेंगे जनरली जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के जैसी होती है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनके जैसे वो माने जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्योंकि अधिक होती है, तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक होगी एंटी बॉन्डिंग उन्हीं के ऑर्बिटल माने जाएंगे। ठीक है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द कंबाइंडिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स द ग्रेटर विल बी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ करेक्टर ऑफ लोअर एनर्जी
lower atomic orbital in the bonding molecular orbitals and greater would be the incorporation of character of higher energy or atomic orbitals in the antibonding molecular orbitals. ये जो sentence है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इस theory को apply करेंगे for the octahedral complexes, for the tetrahedral complexes and for the square planar complexes. तो वहां पर आपको ये completely समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात समझनी है कि सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स जो ऑल द लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करेंगे, वो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे. वो लिगेंड ऑर्बिटल फिर सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे जिनकी सिमिट्री सेम होगी, जिनकी एनर्जी सेम होगी, और वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीन तरीके के बन सकते हैं, बॉन्डिंग बन सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग बन सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग बन सकते हैं. ठीक है, अब हमने ये कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उनकी तरह होती है जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नेचर वैसा होता है जैसा नेचर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हायर होती है उनकी तरह होती है. तो ये हम समझेंगे धीरे धीरे जब हम इस थ्योरी को कंप्लीटली सीख जाएंगे, तो आपके समझ में ये सेंटेंस आ जाएगा जो आप थर्ड सेंटेंस जिसको आप पढ़ रहे हैं तो वो आप इजिली समझ पाएंगे. ओके, तो नाउ लेट्स कंक्लूड द फॉलोइंग लेक्चर. पूरे लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? तो इस लेक्चर में आपने देखा, जनरल आइडिया लिया आपने कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली कहती है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक है, जबकि एविडेंसेस मिले हैं कि जो थ्योरी है, जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट होती है. तो उसकी कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आपने लिमिटेशंस देखी, और लिमिटेशंस के बाद आपने देखा कि जो एविडेंसेस हैं वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है. तो वो जो आपने देखे कि जो एविडेंसेस हैं वो लेंडीज स्प्लिटिंग फैक्टर है जी, जो बताता है कोवेलेंट बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड के बीच में. फिर आपने देखा ESR बताता है हमें, फिर आपने देखा NMR बताता है हमें, फिर आपने देखा नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट हमें बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है. देन आपने देखा जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग है उससे हमें पता चल जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवेलेंट है. देन आपने देखा इंटेंसिटीज ऑफ डीडी ट्रांजिशन की इंटेंसिटीज के बढ़ने का कारण है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग. देन मैंने आपको थोड़े से पॉइंट दिए कि लिगेंड फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, जनरल आइडिया हमें क्या बताती है. इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सिग्मा बॉन्डिंग किस तरीके से होती है वो हमें LFD बताती है. और उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.